हेलो एम तृप्ति एंड आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ एक्सलरेशन ओके फ्रॉम योर चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रीट लाइन लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को सीखा आई होप आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा और उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे ठीक है थीके? आज हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे और आई होप कि ये भी लेक्चर आपको पसंद आए ठीक है स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास एंड यस बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा यार ओके चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास एक्सेलरेशन ठीक है एक्सेलरेशन बेसिकली होता ही है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम ठीक है जब भी हम वेलोसिटी में चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एक्सेलेशन ठीक है तो एक्सेलेशन की डेफिनेशन क्या होगी एक्सेलरेशन इज द चेंज चेंज इन वलोसिटी विथ टाइम ठीक है हम अदर uh, वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड अ एक्सेलरेशन ठीक है एक्सेलरेशन को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं और चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम भी कह सकते हैं ठीक है एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है एंड एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ओके सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है एक सपोज कर लिया एंड इनिशियल वेलोसिटी इसका यू है ठीक है इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी यू है इनिशियली तो वो रेस्ट पर है मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी एंड आफ्टर सम टाइम वो पॉइंट बी पर पहुंचा ठीक है टाइम आपने सपोज टी कर लिया ठीक है टाइम टी सपोज कर लिया तो बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो होगी वो हम वी कंसिडर कर लेते हैं ठीक है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ यू लिया है हमने और फाइनल वेलोसिटी को वी कंसिडर किया है ओके सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है सो वी माइनस यू एंड टाइमिंग क्या होगा टाइम जो है फाइनल वेलोसिटी के लिए टी ठीक है यहाँ टी इज इक्वल टू इनिशियल के जीरो एंड फाइनल के लिए टी सो so, टी माइनस जीरो एंड चेंज इन वेलोसिटी को हम इस तरह से डिनोट करते थे ठीक है वी एंड टाइमिंग के लिए टी यही होता है चेंज इन डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज ठीक है एंड वेलोसिटी में चेंज तो डेल वी एंड टाइमिंग में चेंज सो डेल टी ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ ओके क्लियर है नाउ इस फॉर्मूले के थ्रू आप यूनिट डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन की ठीक है सो यूनिट क्या होगी यूनिट होगी आपकी एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड एंड टाइमिंग की यूनिट क्या होगी सेकेंड सो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्लियर ये पॉइंट भी एक्चुअली जो एक्सेलरेशन होता है वो पर यूनिट सेकेंड में ठीक है पर यूनिट सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी होगा ठीक है वेलोसिटी में जो चेंज होगा पर यूनिट सेकेंड में वही होता है एक्सलरेशन ठीक है इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम और क्लियर करते हैं देखो हमने एक एग्जांपल लिया हमें टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और वो एक्सलरेट हो रहा है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ठीक है तो टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्चुअल मीनिंग क्या है तो ये हो सकता है हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टू मीटर पर सेकेंड ये क्या है इसकी वेलोसिटी एंड पर सेकेंड पर सेकेंड लगा दिया मतलब ये पूरा जो टर्म है वो एक्सल्रेशन बन गया और पर सेकेंड में टू मीटर पर सेकेंड का जो चेंज है वेलोसिटी में टू मीटर पर सेकेंड का जो चेंज है वही एक्सेलरेशन है ठीक है सपोज आपने टाइमिंग एंड वेलोसिटी का एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लिया ठीक है टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ वेलोसिटी क्या होगी वेलोसिटी जीरो ठीक है टाइम वन पे वन सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी टू क्योंकि हर सेकेंड में टू मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है ठीक है सो वेलोसिटी टू टाइमिंग टू सेकेंड पे वेलोसिटी टू सेकेंड और वो चेंज हो जाएगी ठीक है मीन्स टू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा सो फोर ठीक है टाइमिंग थ्री पर सिक्स टाइमिंग फोर सेकेंड पर एट तो यहाँ देखिए आप सभी जगह टू का डिफरेंस है ठीक है मीन्स चेंज क्या आ रहा है चेंज जो है वेलोसिटी में जो चेंज है वो कांस्टेंट है टू मीटर पर सेकेंड का ही चेंज है और वो जो कांस्टेंट है वो पर सेकेंड में चेंज हुआ है ठीक है टू मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का जो चेंज है वो हर एक सेकेंड में हो रहा है और इसी को बोलते हैं आप एक्सल्रेशन ठीक है एक्चुअल मीनिंग एक्सल्रेशन का यही है अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एक्सल्रेशन क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी ठीक है तो वेक्टर क्वांटिटी है मीन्स इसका मैग्नीट्यूड तो होना ही है बट डायरेक्शन भी है ठीक है डायरेक्शन भी है अब डायरेक्शन क्या होगा तो डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पर तो डायरेक्शन जो होगी एक्सेलरेशन की वो भी डिपेंड करेगी वेलोसिटी की ठीक है तो डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओके ठीक है वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी एंड अब एक्सेलेशन को आप एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं ठीक है सो एवरेज एक्सेलरेशन होगा एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंट एक्सेलरेशन तो वन बाई वन हम इन टू टर्म्स को समझते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सो एवरेज एक्सेलरेशन वही है जो आपने एक्सेलरेशन के बारे में अभी स्टडी किया है ठीक है एवरेज एक्सेलरेशन ए इज इक्व टू डेल वी बाई डेल टी ठीक है डेल टी टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज होता है वही आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा ओके नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सल्रेशन के लिए टाइमिंग शुड बी वेरी स्मॉल स्मॉल लेना है मीन्स इन देंस वो टेंस टू जीरो चला जाए ठीक है अप्रोक्स ज़ीरो चला जाए बट एक्जैक्टली ज़ीरो नहीं होता है ठीक है सो आपने इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन जो है उसके बारे में ये लिखा है कि उसका जो टाइमिंग है वो काफ़ी स्मॉल हो जाए तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन मिल जाएगा ठीक है सो फिज़िक्स में टाइम काफ़ी स्मॉल हो उस क्वांटिटी को या फिर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है ठीक है टाइम के अलावा यहाँ पर अपने वेलोसिटी भी है ठीक है तो बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए फिजिक्स में डिफ्रेंशिएट टर्म यूज़ करते हैं ठीक है थीके? क्या करते हैं डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन ठीक है सो डेल टी को आप स्मॉल अमाउंट के लिए डी लिख सकते हैं ठीक है थीके? और स्मॉल टाइमिंग के लिए वेलोसिटी भी स्मॉल होगी सो हम डेल वी को डी वी लिख देते हैं ठीक है तो यही आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बना ठीक है डी वी बाय डी टी अब इसमें एक बात समझ लो कि आपको जब आपने वेलोसिटी निकाला था वेलोसिटी क्या होता है बी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी ठीक है मीन्स डिस्प्लेसमेंट में चेंज विथ टाइम आपने वेलोसिटी निकाला था और ये जो स्लोप है ठीक है ये स्लोप आपको जो मिला था स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ यह होता है वेलोसिटी का ठीक है मींस टी ग्राफ का जो स्लोप है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को अब यहां पर ग्राफ किसके बीच होगा वेलोसिटी एंड टाइम के बीच ठीक है यहां डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच हुआ था बट यहां क्या होगा वेलोसिटी ठीक है स्लोप स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सलेशन ठीक है जैसे हमने डी वाई बाई डी एक्स सीखा था स्लोप में ठीक है स्लोप क्या होता है टेन थीटा टेन थीटा की जो वैल्यू है हमने वो पूरा लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था ठीक है अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लास्ट लेक्चर देखिए तो ये आपका स्लोप जो है वी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सल्रेशन देगा ठीक है एंड एक्सटी ग्राफ का स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देगा ठीक है क्लियर है इस चीज का डी वी बाई डी टी का मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग एक्चुअल में होता है स्लो ओके okay. चलिए अब हम एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू और भी ज्यादा समझते हैं ठीक है ओके एक एग्जाम्पल ले लिया आपने आप आपके पास एक ग्राफ है इस तरह से ओके okay. ये आपका टाइमिंग एक्स एक्सेस शो कर रहा है सेकेंड में एंड दिस इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ठीक है वाई एक्सेस आपका वेलोसिटी को शो कर रहा है एंड एक्स एक्सेस क्या कर रहा है टाइमिंग को शो कर रहा है ओके अब यहाँ से हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया टाइमिंग हमने टू का डिफरेंस ले लिया टू सेकेंड फोर सेकेंड सिक्स सेकेंड एट सेकेंड टेन सेकेंड ट्वेल्थ सेकेंड फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी सेकेंड तक ले लिया अब यहाँ हमने फाइव मीटर पर सेकेंड टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी मीटर पर सेकेंड ले लिया क्लियर है अब आपको ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है ये स्लोप है आपका ओके okay. टाइमिंग जो है आपका वो टेन सेकेंड एक्स एक्सिस के लिए मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो टेन सेकेंड एंड वाई एक्सिस के लिए ट्वेंटी फाइव से थोड़ा सा नीचे है मतलब ट्वेंटी फोर है ओके एंड देन यहाँ आपका कांस्टेंट मीन्स स्ट्रेट लाइन है ओके एंड देन आपका स्लोप इस तरह से डाउन है ओके आपको फाइंड करना है ये पॉइंट हम ओ ए बी और सी कंसीडर कर लेते हैं ठीक है आपको फाइंड करना है ओ ए ए बी एंड बी सी रीजन की एक्सेलरेशन, ठीक है इनके बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा मीन्स जीरो टू टेन सेकेंड आप गए देन एक्सेलरेशन क्या होगा टेन टू एटीन सेकेंड गए देन एक्सेलरेशन क्या होगा एंड एटीन टू ट्वेंटी सेकेंड गए देन एक्सेलरेशन क्या होगा एक्चुअली इसे है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है ओके okay. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए रीजन के लिए ठीक है ये जो है स्लोप ओ ए स्लोक इसके लिए फर्स्ट फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन ठीक है सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम ठीक है तो वेलोसिटी में चेंज मीन्स वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर हम v2 टू माइनस वी एंड t2 टू माइनस टी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेल बाय बाई डेल टी ठीक है so सो यहाँ पर देखें आप फाइनल जो है फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर ये यह यहाँ से आपने ओ से स्टार्ट किया तो ओ क्या है आपका इनिशियल पॉइंट एंड ए तक गए ठीक है ये आपका फाइनल पॉइंट हुआ सो so यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुई ट्वेंटी फोर ठीक है एंड मीन्स फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो से ही स्टार्ट किया आपने तो जीरो एंड टाइमिंग क्या हुआ टेन ठीक है यहाँ से ए तक पहुँचने में आपको टेन सेकेंड लगा सो so, फाइनल आपका टाइमिंग टेन एंड जीरो से स्टार्ट किया सो इनिशियली जीरो सो टेन माइनस जीरो सो आपके पास एक्सेलरेशन हुआ टू पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ओके अब हम ए बी के लिए बात करें सो ए बी ग्राफ के लिए आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन एक्चुअली में जीरो होगा क्यों क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी फाइनल पॉइंट आपका बी हो जाएगा यहाँ एंड इनिशियल पॉइंट आपका ए हो जाएगा तो फाइनल पॉइंट पर भी वेलोसिटी ट्वेंटी फोर है एंड इनिशियल पॉइंट पर भी वेलोसिटी ट्वेंटी फोर है सो ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो सो एक्सेलरेशन यहाँ पर इस केस में आपको क्या मिलेगा जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके अब बीसी ग्राफ में देखें सो बीसी ग्राफ में आपका फाइनल पॉइंट क्या होगा सो फाइनल पॉइंट आपका ये होगा और यहाँ पर जीरो पर सो so जीरो मतलब ये फाइनल पॉइंट हुआ ना पॉइंट फाइनल हुआ यहाँ पर और बी इनिशियल हुआ ठीक है बी से आपने स्टार्ट किया है यहां से आप ओ से ए गए ए से बी एंड बी से सी तो हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए फाइंड कर रहे हैं एक्सेलरेशन सो बी से सी गए आप तो इनिशियल पॉइंट है आपका बी फाइनल पॉइंट सी फाइनल पॉइंट सी पर वेलोसिटी कितनी है जीरो एंड इनिशियल पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी है ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर आपने रख दिया ठीक है एंड टाइमिंग क्या हुआ ट्वेंटी माइनस एटीन ठीक है फाइनल ट्वेंटी एंड इनिशियल एटीन सो ट्वेंटी माइनस एटीन सो ये हुआ आपका माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन टू सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब आप देख सकते हैं कि एक्सलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ठीक है जीरो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये क्लियर है आपको कि एक्सलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है ठीक है एक्सलरेशन कैसा हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है एक्सलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है और एक्सलेशन जीरो भी हो सकता है ओके अब इसी ग्राफ को इसी ग्राफ को अगर आप एक्सल्रेशन वर्सेस टाइमिंग के साथ बनाए तो किस तरह से बनेगा ठीक है ये आपने वेलोसिटी और टाइम के अकॉर्डिंग बनाया ठीक है और वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देता है तो उसके थ्रू आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया अब हम इसी ग्राफ को जो वैल्यूज आई आपकी एक्सेलरेशन ठीक है एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ उनके बेसिस पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइमिंग पे बेस्ड होगा ओके तो यहाँ हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है ठीक है ये एक्सेलरेशन है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके एंड दिस इज योर टाइम सेकेंड में टाइमिंग ज़ीरो से स्टार्ट हुआ आपका टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन एंड ट्वेंटी ओके एक्सेलरेशन क्या हुआ तो एक्सेलरेशन आपका टू पॉइंट फोर ठीक है तो हम यही डिफरेंस ले लेते हैं टू पॉइंट फोर फोर पॉइंट एट ठीक है सेवन पॉइंट टू एंड यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन ट्वेल्थ तक है तो आपको ये जो अमाउंट है ये इतना लेना है कि ट्वेल्थ तक आ जाए आप तो इनिशियली आपका टू पॉइंट फोर हुआ ठीक है इसका फिर डबल फोर पॉइंट एट फिर सेवन पॉइंट टू एंड देन नाइन पॉइंट टू एंड देन 12, ठीक है ट्वेल्व पॉइंट जीरो तो ये आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच आपने इस तरह से पहले अरेंजमेंट कर लिया ठीक है अब अब देखिए एक्सलरेशन की वैल्यू क्या है टू पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड सो टू पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड अब ये कहाँ तक है ये टेन सेकेंड तक है ठीक है तो ये जो आपका पॉइंट मिला ये टेन सेकेंड तक तो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है मीन्स एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी ठीक है इंक्रीज हो रहा है टेन सेकेंड तक टू पॉइंट फोर नीचे वाला जो पार्ट है वो आपको नेगेटिव वैल्यू शो करेगा ठीक है सो एटीन टू ट्वेंटी में आपका क्या है एक्सेलरेशन ट्वेल्व सो आप इस तरह से इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं ये आपका ग्राफ हुआ ठीक है ये इनिशियली तो क्या हुआ ये इंक्रीज हुआ मीन्स जीरो टू ए पे इंक्रीज हुआ देन जीरो हुआ एटीन सेकेंड तक एंड एटीन टू ट्वेंटी सेकेंड नेगेटिव आपको वैल्यू आई ठीक है ग्राफ में एक्सेलरेशन नेगेटिव है पॉजिटिव है या जीरो है ठीक है तो उसके लिए हम देखो एक्स टी डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको इस तरह से मिले कैसे ऐसे ठीक है ये जो कर्व है ये क्या अपवर्ड ठीक है कर्व जब अपवर्ड हो कर्व जब अपवर्ड हो तो आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है कर्व जब डाउनवर्ड हो ये कर्व आपका इस तरह से हो डाउनवर्ड हो तो आपको क्या मिलेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड कर्व जब स्ट्रेट लाइन हो इस तरह से सो so, एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो होगा एक्सटी ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ में इस तरह की अगर सिचुएशन आए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो हो क्लियर और भी ज्यादा हम ग्राफ के एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे ओके okay? अभी आपको एक्सेलरेशन में इतना सफिशेंट है जानना आपने क्या क्या सीखा एक्सेलरेशन में एक्सलरेशन में हमने एक्सलरेशन के जो फॉर्मूला है वो सीखा डेल वी बाय डेल टी ठीक है इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वेलोसिटी में चेंज विथ टाइम ठीक है विथ अ कॉन्स्टेंट टाइम एंड यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट करके इस तरह से एक्सेलरेशन को ग्राफ के थ्रू भी सीखा ठीक है अब हम नेक्स्ट वीडियो में डायनामेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन लेकर आएंगे एंड टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच